सुकावात के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सुकावात पुलिस ने एक बुलेरो गाड़ी से 28 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी सुकावात के कुशल नेतृत्व में थाना सुकावात पुलिस चेकिंग के दौरान बुलेरो गाड़ी से ले जा रहे 28 किलोग्राम गांजा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है ड्रग्स के व्यापार में। ये अवैध गांजा करीब 28 किलो पकड़ा गया है, एक बुलेरो में जा रहा था। और जो दो व्यक्ति पकड़े गए हैं वो बता रहे थे कि ये कौशाम्बी जो इलाहाबाद के पास है वहाँ से इसको ले आ रहे थे और ये नोएडा में ले जाते और नोएडा में ही इसकी खपत होती है और वहाँ से फिर ये थोक के भाव में जब ये पहुँचता है तो वहाँ से फिर रिटेल उसको अलग अलग दुकानों पे बेचा जाता है। ये काफ़ी दिन से कारोबार चल रहा था। एक मुखबिर की सूचना पे इंस्पेक्टर सिकोहाबाद को सफलता मिली है, बुलेरो गाड़ी मिली है जिसमें गांजा रखा था। दो व्यक्ति मौके से अरेस्ट हैं, दो का और नाम बता रहे हैं जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी हम तलाश कर रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई सिकोहाबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। पकड़े गए गांजे की बाजार में कीमत लगभग कितनी आकी जा रही है? बाजार में जो इसकी कीमत आकी गई करीब ये 5 लाख रुपए कीमत का ये गांजा है, काफ़ी बड़ी बरामदगी है और इसमें जो भी अन्य लोग भी हैं उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिस टीम को कोई इनाम भी दिया जाएगा? इस टीम को 10,000 रुपये का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा इनाम दिया गया है इस बड़ी बरामदगी के लिए।